ये है मंगोलिया, दुनिया की 18th लार्जेस्ट कंट्री, जिसमें इंडिया के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट्स आराम से फिट हो सकते हैं। लेकिन इतने मैसिव लैंडमास होने के बावजूद 99.7% मंगोलिया पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। और ये छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है, इस 0.03% लैंड एरिया में ही मंगोलिया की 100% पॉपुलेशन रहती है। इनफैक्ट इस सर्कल से इंसान जितना दूर जाता चला जाता है, उसके जिंदा रहने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाते हैं। अब आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे के रीजंस एक्चुअली काफी यूनिक है मंगोलिया के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगोलिया में यह पॉपुलेशन डिस्पेरिटी हमेशा से नहीं थी। मतलब मंगोलिया में 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन 10 लाख हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक जंग ने वहां की 80% पॉपुलेशन यानी 10 लाख लोगों में से 8 लाख लोगों का एक ही झटके में सफाया कर दिया। बट मंगोलिया का टेरिबल फेट यहां पर भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद मंगोलिया में बुद्धिज्म ने जन्म लिया और बुद्धिज्म फैलने लगा, और इस एक धर्म की वजह से मंगोलिया की पॉपुलेशन एकदम से खत्म होने लग गई और कभी वहां से फिर बढ़ नहीं पाई। लेकिन कैसे आखिर सिर्फ एक धर्म देश की आबादी को मिटा सकता है, और वो भी बुद्धिज्म जैसा इतना पीसफुल रिलीजन? वेल, ऐसी कुछ विचित्र रही है मंगोलिया की दास्तान, जिसे डिटेल में आज के इस वीडियो में हम डीकोड करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों मंगोलिया में पॉपुलेशन की इतनी वियर्ड डिस्पेरिटी है। सो लेट्स बिगिन। इसके पीछे का पहला रीजन है मंगोलिया की यूनिक ज्योग्राफी, जिसे हम बेसिकली 3 मेजर भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, दूसरा है सॉइल या मिट्टी, और तीसरा रेनफॉल। अब ध्यान से समझते हैं कैसे ये सारे फैक्टर्स की वजह से ही 99.7% मंगोलिया वीरान पड़ा हुआ है, और सिर्फ इस एक छोटे से 0.03% इलाके में ही पूरा मंगोलिया बसता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड वाले माउंटेन से। सो अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो मंगोलिया अर्थ के नॉर्दर्न पोल की तरफ रशिया और चाइना के बीच में लोकेटेड है। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट एक पोलर जोन का पार्ट बन जाता है, जिस वजह से इस देश का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मोस्टली माइनस में ही रहता है। और इस मैप में अगर आप यहां पर देखोगे तो मंगोलिया के नॉर्दर्न यानी कि ये पार्ट और वेस्टर्न पूरी तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज है, मतलब ये ऊंचे हाइट वाले माउंटेनियस रेंजेस से घिरा हुआ है। अब हम आ जाते हैं बचे हुए मंगोलिया के इन सारे पार्ट्स पर। सो मंगोलिया का सदर्न और वेस्टर्न पार्ट पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। हिस्टोरिकली इंसानों ने कभी भी इस जगह पर अपना परमानेंट सेटलमेंट बनाया ही नहीं, क्योंकि इस एरिया में इंसान तो दूर, मंगोलिया में पाए जाने वाले ये बैक्ट्रियन कैमल्स तक सर्वाइव नहीं कर पाते, इतना एट्रोशियस क्लाइमेट है यहाँ का। सो पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो अब मंगोलिया के लोगों के पास ना ही वेस्टर्न पार्ट में रहने की जगह है और ना ही सदर्न या ईस्टर्न पार्ट कंड्यूसिव है। अब ऐसे में पूरी 100% मंगोलियन पॉपुलेशन मात्र इस 0.03% के छोटे से जगह में रह रही है, क्योंकि इन्हीं माउंटेन्स की वजह से सिर्फ इसी 0.03% लैंड में टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं और लाइफ के लिए कंड्यूसिव हो जाते हैं। बेसिकली मंगोलिया में नॉर्दर्न मंगोलिया का खुब्सगुल माउंटेन रेंज, नॉर्थ वेस्ट पार्ट की खांगाई रेंज और नॉर्थ ईस्ट की खेंटी रेंज मिलकर कुछ इस तरह का रफ ट्रायंगल बनाते हैं, जिसकी वजह से ये माउंटेन रेंजेस नॉर्थ वेस्ट से आने वाली सर्बियन विंड और साउथ ईस्ट के गोबी डेजर्ट से आने वाली कोल्ड विंड के खिलाफ एज अ नेचुरल वॉल एक्ट करते हैं, जो एक्चुअली में एक मेजर गेम चेंजर है, क्योंकि इन्हीं कोल्ड विंड से प्रोटेक्शन मिलने की वजह से जहां पर बाकी के मंगोलिया का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहीं पर बस गेस करो इस ट्रायंगुलर जोन का टेम्परेचर कितना होता होगा? वेल, सिर्फ और सिर्फ -2.9 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज, जो टेम्परेचर ऑफकोर्स हम इंडियंस के लिए फिर भी ज्यादा है, बट कंपेयर दैट विथ -50 डिग्री सेल्सियस। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो मंगोलियंस ने 4,704 स्क्वायर किलोमीटर्स वाले इस जगह में ही अपनी कैपिटल सिटी उलान बटोर को बनाया है। नाउ दूसरा मेजर रीजन कि ये 0.03% एरिया ही हैबिटेबल है इज सॉइल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे मंगोलिया में 365 डेज कोल्ड विंड्स फ्लो होने की वजह से ऑलमोस्ट ये पूरा देश इस तरह बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है, और इसी फिनोमेनन को जियोलॉजी के भाषा में परमाफ्रॉस्ट बोला जाता है। अब जरा सोचो, जब सॉइल के ऊपर बर्फ की ऐसी मोटी लेयर जमा होगी तो इस लैंड पर खेती का तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। प्लस इस प्रकार के सॉइल पर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया जा सकता, और अगर बाय चांस कोई लैंड एरिया आइस कवरिंग से बच भी गया तो उस लैंड में भी दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उसमें कुछ इस टाइप का चेस्टनट जैसा ब्राउन सॉइल होता है,
जिसमें सैलिनेशन यानी खारापन ज्यादा होता है, और दूसरा उसमें रॉकी सेडिमेंट ज्यादा होते हैं, यानी कि छोटे पेबल्स वाली सॉइल होती है जिसमें खेती करी ही नहीं जा सकती। अब बात करते हैं तीसरे मेजर फैक्टर की, जो है रेनफॉल। सो अब तक हमने जाना कि उलान बटोर जैसे वैलीज कितने ज्यादा कंड्यूसिव है लाइफ के लिए इन मंगोलिया, बिकॉज पहले तो वो ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड है और दूसरा सॉइल क्वालिटी भी वहां पर अलग है। बट तीसरा रीजन वहां पर, तीसरा बेनिफिट जो वहां पर मिलता है वो है एक वैली होने की वजह से यही माउंटेन रेंजेस विंड को रोकने का भी काम करते हैं। एंड एट द सेम टाइम जब मंगोलिया में बारिश वाले बादल आते हैं तब यही माउंटेन रेंजेस उन बादलों को भी उसी रीजन में रोक देते हैं, जिसके वजह से इस मंगोलियन वैली में कुछ इस तरीके का ओरियोग्राफिक रेनफॉल हो जाता है। और यहाँ की बारिश बाय द वे वैसी नहीं होती जैसे इंडिया में होती है। कंपेयर मत करना कि इंडिया का ड्राइएस्ट स्टेट राजस्थान भी 500 से 1000 मिलीमीटर्स की बारिश देता है, उससे कई गुना कम यहाँ पर सिर्फ 300 से 400 मिलीमीटर्स की ही रेनफॉल होती है। और इसीलिए मंगोलिया को जनरली ड्राई डेजर्ट भी कहा जाता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग कवर्ड इन आइस। लेकिन इसी बारिश के वजह से यहाँ की सॉइल भी काफी उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि आपने ये ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा माउंटेन से सॉइल इरोजन होकर सॉइल के सारे मिनरल्स अक्सर धुलकर नीचे वैली में आ जाते हैं। और इसीलिए इस रीजन में भी इन तीनों माउंटेन रेंजेस के मिनरल लोडेड सॉइल भी बारिश के वजह से इरोड होकर वैली में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, जिससे इस रीजन की सॉइल काफी फर्टिल हो जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यही रेनफॉल, एरेबल लैंड और एम्बिएंट टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स मिलकर थुल्लू रिवर पर सिचुएटेड उलान बटोर को एक आइडियल जगह बना देते हैं फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। सो अब तक हमें एक अच्छा खासा आइडिया आ गया है कि मंगोलिया इतना एम्प्टी क्यों है, उसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजंस क्या है। लेकिन 99.7% मंगोलिया के एम्प्टी होने के पीछे जो दूसरा रीजन है वो ये भी है कि मंगोलिया में इन जनरल पॉपुलेशन ही काफी कम है। बट जैसे हमने इंट्रो में डिस्कस किया था, इतिहास में मंगोलिया की पॉपुलेशन का 80% पॉपुलेशन एक ही वॉर में एक झटके में खत्म हो गया था, और उसके बाद से मंगोलिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कभी भी स्पीड कैचअप नहीं कर पाई। सो उसकी कहानी शुरू होती है साल 1200 से, जब मंगोलिया आज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था, वो कुछ ऐसा दिखता था। इस देश में तब जंगिस खान का राज हुआ करता था, और भाई साहब मेजेस्टिक मंगोलिया का साम्राज्य पैसिफिक ओशियन से कैस्पियन सी तक और रशिया से लेकर तिब्बत तक इतना विशाल था। बाय द वे इसी समय में सदर्न रशिया के कुछ पार्ट्स में भी मंगोलियन एम्पायर का राज हुआ करता था। बट चंगेज खान की मौत के बाद ये पूरा एरिया उनके ही वंशों ने अलग अलग भागों में यानी खनातों में बांट दिया, जिसमें से जो प्रेजेंट डे मंगोलिया है उस रीजन में राज करने लगी जुंगार डायनेस्टी। अब देखो इस दौरान हुआ ये कि क्योंकि चंगेज खान के राज में आम मंगोलियंस ने इतनी सारी जंगें देखी थी कि अब ये सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते थे। और इसी दौरान कोइंसिडेंटली इंडिया से बुद्धिज्म भी सेंट्रल एशिया में धीरे धीरे फैल रहा था, और साल 1271 में मंगोलिया तक पहुंच भी चुका था। So, कुछ ही सालों में मंगोलियंस भी बुद्धिज्म अपनाने लग गए, और एक तरह से इस विचारधारा की वजह से पूरे मंगोलिया में शांति का माहौल छा गया था। लेकिन नॉट फॉर वेरी लॉन्ग, क्योंकि साल 1687 में कहानी में एंट्री होती है चिंग डायनेस्टी की, जो बेसिकली मंगोलियंस के खून के प्यासे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि चंगेज खान ने एक समय में उनकी जमीन पर कब्जा करके उनके ऊपर राज किया था, और वो किसी भी हालत में मंगोलियन से हिसाब चुट्टा करना चाहते थे। और जैसे हमने पहले जाना, उस समय प्रेजेंट डे मंगोलिया में राज कर रही थी जुंगार डायनेस्टी। सो 1687 में चिंग डायनेस्टी ने अपना बदला निकालने के लिए जुंगार्स को एक वॉर के लिए ओपन चैलेंज दे दिया। उन्होंने फिर एक कदम आगे भी जाकर पूरे साउथ ईस्टर्न मंगोलिया पर कब्जा कर लिया। सो ये जुंगार्स के लिए सीधे सीधे एक जंग की ललकार थी, तो बस ना चाहते हुए भी जुंगार डायनेस्टी को चिंग डायनेस्टी के साथ वॉर लड़ना ही पड़ा। लेकिन क्योंकि चिंग्स काफी तैयारी के साथ आए थे और वो फुल कॉन्फिडेंट थे, तो उन्होंने इस जंग में जुंगार्स को बुरी तरह से हरा दिया। मतलब इतने बुरी तरीके से हरा दिया कि इसी जंग में 80% मंगोलियन पॉपुलेशन यानी कि 10 लाख मंगोलियंस में से 8 लाख मंगोलियंस जान से हाथ गवा बैठे। ये मंगोलियन हिस्ट्री का एक काफी बुरा दौर था, जिसे आज भी वहां पर 1687 जुंगार जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है। और फिर इसी के बाद से ही चिंग डायनेस्टी ने मंगोलिया पर पूरी तरह से कब्जा भी कर लिया और वहां पर 200 सालों तक राज किया। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख हम इंडियंस को मिलती है। मंगोलिया के इस केस से आइडियोलॉजीज का रोल हमारे समाज और देश के स्तर पर क्लियर हो जाता है। हम अक्सर आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराओं को फिक्स समझते हैं कि भाई अतीत में जैसा लिखा गया था वैसे ही रहना चाहिए, जैसे धार्मिक आइडियोलॉजीज हो गए, हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या बुद्धिज्म, और हम समझते हैं कि इन्हीं आइडियोलॉजीज का फिक्स रहना ही हमारे समाज के प्रगति के लिए जरूरी है। लेकिन एक मुख्य बात हम भूल जाते हैं
कि बदलाव ही सबसे बड़ा भगवान है। इनफैक्ट बदलाव ही इकलौता भगवान है जो किसी को भी नहीं बख्शता, चाहे वो हम इंसानों की ढलती उम्र हो, चाहे वो सूरज की खत्म होती ऊर्जा हो, या चाहे वो साक्षात ब्रह्मांडी हो जो एक दिन विस्तार करते करते स्पेस की अनंतता में मिट जाए। इस बदलाव वाले भगवान ने तो मानव इतिहास के धार्मिक भगवानों को तक नहीं छोड़ा। आज कौन पूछता है इजिप्शियन गॉड्स को, एस्टेक गॉड्स या रोमन गॉड्स को, जिन्हें एक समय में ऑलमोस्ट आधी आबादी पूजा करती थी। बदलाव ने इन्हें भी बदल दिया। सो हम इंडियंस को ये रियलाइज करना होगा और समझना होगा कि कोई भी आइडियोलॉजी अल्टीमेटली सही या गलत नहीं होती, वो बदलते हालातों के हिसाब से सही या गलत दिशा दिखाती है। सो अब सवाल ये है कि कौन सी आइडियोलॉजी आज के जमाने के हिसाब से हमें ताकतवर बना सकती है। बुद्धिज्म के केस में ये एक अच्छी आइडियोलॉजी है, लेकिन गलत समय और हालातों में मंगोलिया के अपनाने की वजह से 800,000 लोगों का कत्लेआम हो गया, जस्ट बिकॉज उस वक्त एक सक्रिय और हिंसात्मक पड़ोसी होने के बाद भी मंगोलियंस शांति की विचारधारा फॉलो कर रहे थे। हमारा भारत आज पाकिस्तान के साथ गांधीयन फिलॉसफी यूज नहीं कर सकता, और हमने ट्राई भी करके देख लिया, सिर्फ निराशा ही हमें मिली है। सो वंस अगेन, हमारे आज के भारत के लिए सही विचारधारा क्या होनी चाहिए? वेल, मेरी राय में एक ऐसी विचारधारा जो हिंदूज और मुस्लिम्स को एक करे देश के हित में, जो काम मुझे लगता है हमारे कल्चर को बढ़ावा देना ओवर रिलीजियन कर सकता है। और इसी के साथ भारतीय युवाओं को आधुनिक साइंटिफिक माइंडसेट एडॉप्ट कराना होगा, ताकि हम चीजों को सिर्फ धार्मिक नजरों से ही नहीं बल्कि रैशनल नुआंसेस भी उसके समझ पाए। साइंस विद कल्चर, इस सिंपल से सिद्धांत से हम आने वाले सालों में हमारे देश को प्रगति के राह पर लेकर जा सकते हैं, और यही मेरी हमेशा से कोशिश भी रही है मेरे दो YouTube चैनल्स गेट सेट फ्लाई साइंस और गौरव ठाकुर के माध्यम से, साइंस कल्चर और नेशनलिज्म बढ़ाने की। इनफैक्ट हमने एक न्यू एजुकेशनल कंपनी भी स्टार्ट की है एड्यूवेदा क्लासेस के नाम से, अब सभी लर्नर्स के लिए, और इसका नाम भी इसी थॉट से इंस्पायर्ड है। एड्यूवेदा, एड्यू मतलब एजुकेशन थ्रू साइंटिफिक अप्रोच, और वेदा स्टैंडिंग फॉर लर्निंग थ्रू कल्चरल इंस्पिरेशन। एड्यूवेदा यूट्यूब चैनल पर करंटली हमने 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के एग्जाम नीड्स के लिए रिविजन लेक्चर्स भी डाल दिए हैं साइंस और मैथ सब्जेक्ट के, और आने वाले महीनों में यहाँ पर फ्री 11th और 12th के पावर पैक्ड लेक्चर्स भी होंगे, एंड या आम क्लासेस से हटकर यहाँ पर क्यूरियोसिटी से पढ़ाया जा रहा है। सो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, एक क्यूरियस स्टूडेंट हो, तो नीचे लिंक पर क्लिक करके एड्यूवेदा यूट्यूब चैनल में मैथ्स और साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियरिंग रिवीजन कर सकते हो। ये कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है, हमारे ही पैशनेट टीम द्वारा लिया गया एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, होपफुली आपको पसंद आए। सो जैसे हमने देखा कि बुद्धिस्ट वैल्यूज के इन्फ्लुएंस की वजह से पुराने मंगोलिया के लोग बड़ी तादाद में मारे गए थे, लेकिन फिर कुछ ही सालों में मंगोलिया की कहानी में एक और एक नया ट्विस्ट आया। बुद्धिज्म, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी मंगोलिया में काफी फैल रहा था, लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी आते आते ये धर्म वहां पर इतना प्रोमिनेंट हो गया कि अब इसी धर्म की वजह से वहां की आबादी का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब ये स्पेसिफिकली मंगोलियंस के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बनी, क्योंकि सिर्फ इस धर्म की वजह से मंगोलिया में एक टाइम ऐसा आ गया था जब वहां पर हर 3 में से एक मंगोलियन आदमी शादी ही नहीं कर रहा था। प्लस जैसे हमने डिस्कस किया, मंगोलिया की 80% आबादी तो उस वॉर के बाद ऑलरेडी कम ही हो चुकी थी। So they desperately needed a solution to repopulate. और इसी ही टाइम पे पिक्चर में एंट्री होती है USSR की, जो मंगोलिया की पॉपुलेशन के लिए a blessing in disguise साबित हुआ। लेकिन आखिर कैसे? देखो, जाहिर है USSR को मंगोलिया से कुछ लेना देना नहीं था। USSR तो पिक्चर में इसीलिए आया क्योंकि मंगोलिया में उसका इकोनॉमिक फायदा छुपा हुआ था। उस समय का बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं, आपको और आसानी से समझ में आएगा। सो पहले इतना हमने जाना था कि जुंगार डायनेस्टी को हराकर चिंग डायनेस्टी ने मंगोलिया पर राज करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका राज सिर्फ 1921 तक ही चला, क्योंकि उसके बाद चिंग डायनेस्टी का सामना हुआ द माइटी सोवियत एम्पायर से, जो उस दौरान डेस्परेटली कोशिश कर रही थी ज्यादा से ज्यादा देशों में सोशलिज्म फैलाने की, और उसका अगला निशाना था मंगोलिया। लेकिन USSR के इस मकसद के बीच आ रही थी चिंग डायनेस्टी। दोनों ने चिंग डायनेस्टी को हटाने के लिए मंगोलियंस को हर लेवल पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया, फिर चाहे वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो या फिर मिलिटरिस्टिक। इनफैक्ट USSR ने तो मंगोलियंस को चिंग डायनेस्टी से लड़ने के लिए वेपन्स तक सप्लाई करना शुरू कर दिया, एंड इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आया कि मंगोलियंस में चिंग्स के खिलाफ एक मैसिव आंदोलन ही शुरू हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने चिंग डायनेस्टी को अपने देश से उखाड़ के फेंक दिया, और इसके बाद मंगोलिया आजाद हो गया। लेकिन हाँ, वो देश आजाद तो हुआ, बट एट व्हाट कॉस्ट? USSR का कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस मंगोलिया में काफी ज्यादा बढ़ने लग गया, जो एग्जैक्टली USSR चाहता था।
अब ऑफ कोर्स यूएसएसआर मंगोलिया में सिर्फ सोशलिज्म कम्युनिज्म फैलाने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहा था। इसके पीछे जैसे मैंने बताया यूएसएसआर का इकोनॉमिक फायदा छुपा हुआ था। ये वही दौर था जब यूएसएसआर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था और इसे सपोर्ट करने के लिए उसे मंगोलिया से चीप लेबर जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत थी। तो अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने मंगोलिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के तुरंत बाद वहां पर अपनी एक पपेट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मंगोलियन पीपल्स पार्टी इंस्टॉल कर दी। अब क्योंकि ये एक प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट थी तो इन्होंने उनकी मदद करने के लिए अपने देश में कई सारे प्रो नेटल पॉलिसीज लागू करना शुरू कर दिया। प्रो नेटल यानी ऐसी पॉलिसीज जिससे लोग बच्चे पैदा करने के लिए मोटिवेट हो, और ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि यूएसएसआर को उनसे ज्यादा से ज्यादा लेबरर्स मिले। सबसे पहले तो इन्होंने पूरे मंगोलिया में एक ऐसा नैरेटिव स्प्रेड कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना मंगोलियन औरतों की नेशनल ड्यूटी है, और फिर जिन पेरेंट्स के ज्यादा बच्चे थे उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मैटरनल ग्लोरी नाम का कैश फंड और कई केसेस में तो एक पूरा का पूरा घर ही एज एन इंसेंटिव दिया जाता था। फिर मंगोलियन मदर्स को हर साल दो बार ऑल एक्सपेंसेस पेड वेकेशंस तक मिलने लग गए सिर्फ ताकि वो बच्चे पैदा करें। ये तो कुछ भी नहीं है, कैन यू बिलीव इट। वहां पर एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब अनमैरिड और चाइल्डलेस मंगोलियन सिटीजंस के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही थी सिर्फ क्योंकि उन्होंने बच्चे पैदा करना चाहिए। सो नाउ डेफिनेटली इन स्टेप से एक ह्यूज इंपैक्ट पड़ा। कुछ ही सालों में मंगोलियन बर्थ रेट में सीधा लाखों नंबर्स का डिफरेंस आना चालू हो गया। ऑल्सो इसी दौरान यूएसएसआर की सपोर्ट से हेल्थ सेक्टर और फूड सिक्योरिटी में भी काफी इंप्रूवमेंट्स आने लग गए, जिससे भी वहां के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में एक मेजर डिक्रीज आया और बर्थ रेट भी ऑन द अदर हैंड इंक्रीज होता चला गया। अब आई नो सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि यूएसएसआर के आने से मंगोलिया का फायदा हो रहा था, लेकिन एक्चुअली में असल सच्चाई तो ये थी कि एक तरफ जहां यूएसएसआर उस देश का अपेरेंट कल्याण कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो उन्हीं के पीठ में खंजर भोंक रहा था। यूएसएसआर ने इसी दौरान यानी 1921 से 1939 के बीच में जोसेफ स्टालिन के लीडरशिप में मंगोलिया के हजारों बुद्धिस्ट मंक्स को जान से मार दिया। इसी दौरान 1000 से भी ज्यादा मोनेस्ट्रीज और टेंपल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सो अब ऐसे में मे बी आप सोचोगे कि जिस कंट्री को मंगोलिया से चीप लेबर मिल रहा था आखिर वो उसी कंट्री के बुद्धिस्ट मंक्स जो कि कितने पीसफुल होते उन्हें क्यों मार रही थी। So, इसके पीछे का रीजन ही बेसिकली वही था, मंगोलिया से मिलने वाला चीप लेबर जो बुद्धिज्म के वजह से खतरे में पड़ रहा था। जैसे हमने डिस्कस किया कि क्योंकि मंगोलिया में रैपिडली बुद्धिज्म फैल रहा था तो हर तीन में से एक मंगोलियन शादी ही नहीं कर रहा था। अब ये विचारधारा रशिया के प्रो नेटल यानी बर्थ रेट्स बढ़ाने वाले पॉलिसीज के एकदम अगेंस्ट जा रही थी, और इसीलिए रशिया ने फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मारना शुरू कर दिया ताकि मंगोलिया में बुद्धिज्म और ना फैले और प्रोनेटल पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस बढ़ती रहे, जिससे यूएसएसआर को अपना कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लेबरर्स मिलते रहे। लेकिन फिर 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद से ही कहीं जाकर मंगोलिया को राहत मिलनी शुरू हुई, क्योंकि इसके बाद से ही सोवियत इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लुएंस इस देश में कम होने लग गया। सो ये थी मंगोलिया की पूरी हिस्ट्री। ये देश पर्सनली मेरे हिसाब से पूरे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक देश है, और इसकी हिस्ट्री भी काफी यूनिक रही है। अगर आपको ऐसा ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो पसंद आया तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जहां पर मैंने डिस्कस किया है कि कैसे 80% अमेरिकन्स इस लाइन के सिर्फ ईस्ट साइड में रहते हैं और पूरा वेस्ट साइड काफी वीरान पड़ा हुआ है। इसे हमने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।